एडिंग्स करने वास्ते आपां की करना है, सब तो पहला जिन्ने भी वर्ड्स ने उन्हां दे सिनोनिम्स लब्भन की कोशिश करनी है, जिन्निया दी जो आउंदा जो ब्रेन च आ गया एकदम, ठीक है। जिवें फर्स्ट किया ग्रोथ इन द मार्केट ऑफ फॉर ग्लास क्राफ्ट, ग्रोथ मीन्स की लिखा गया अपन डिवेलपमेंट समथिंग, कुछ इनक्रीज होया, राइस होया, एवं दे वर्ड लिखो उत्ते, ठीक है। देन इन द मार्केट, मार्केट मतलब सेल्स हो गया, ठीक है, परचेज हो गया, और हो गया सेल करना, परचेज करना, फॉर ग्लास क्राफ्ट, क्राफ्ट मतलब ग्लास दे बढ़िया हुई चीजा, ठीक है, ग्लास आलिया थिंग्स हो गई, ये वो। सो दिस इज वट कॉल्ड होमवर्क, मीनस आ हेडिंग में ओदा लाना है जेदे विच ए शो किता होवे भी ग्लास क्राफ्ट ने जेड़े उन्ना दी मार्केट दी ग्रोथ दसी होवे। पहला सेंटेंस पढ़ के या पहले सेंटेंस दे विच मैनू कुछ एहो जे वर्ड मिलन जेड़े इन्ना वर्ड्स नाल मैच करदे आ, मैं ओदा हेडिंग आ फर्स्ट लाऊंगा। किता ही नहीं आपां, फर्स्ट एम की अपनी रीडिंग दा, फर्स्ट रीडिंग दे विच आपां की आनी चाहीदी है स्किमिंग, दूजा की आना चाहिए फुल मीनिंग क्वेश्चन का, ठीक है। सो हूँ देखो यदा आंसर हैगा है पैराग्राफ सेकंड, ठीक है, सेकंड का आंसर है वन, मतलब पैराग्राफ सी, ठीक है। हूँ पैराग्राफ सी दे विच देखो कोई वर्ड लभ दे तुहानू मैच होंगे कि नहीं होंगे, वाइडेंड, वाइडेंड टेक्नोलॉजी, वाइडेंड ग्रोथ होनी कोई चीज का, वाइडेंड होना, ठीक है। देन नेक्स्ट होर कोई वर्ड इहदे नाल रिलेटेड, पीसीज ऑफ ग्लास आ गए, सेल आ गया, सेल भी वर्ड यूज हो गया, वर्ड्स मैच होने शुरू हो गए। देखो राजे जे तुसी इत्थे मिक्स ऑफ टेक्निक्स यूज करोगे ना, मिक्स ऑफ टेक्निक्स दा की मतलब आ कि मैं फुल मीनिंग भी लवां, हुण मतलब हुण ओहदे अगे जे सेल दे अगे वर्ड देखिए उत्थे लिखिया डिड नॉट सेल, डिडंट सेल, ठीक है। पर आप जो हूँ मीनिंग वाइज चलेंगे तो यदा मतलब उत्थे सैलिंग की गल ही नहीं हुई, पर जो वर्ड वाइज चलेंगे तो सैल वर्ड आ गया। सो एक ही टेक्नीक लगेगी, 50-50 चलोंगे ना तो आंसर गलत ही होंगे, सिर्फ जां ते वर्ड मीनिंग वर्ड्स नू मैच करके करो हैडिंग्स ते, जां फिर मीनिंग नू मैच करके करो। मीनिंग नू मैच करन लई थोड़े कोले सही इंग्लिश दी एक्सपीरियंस होना चाहिए जिहड़ा थोड़े चो किसी कोले नहीं, तुसी सारे उन्हां स्कूलां चो पढ़े हो जिथे इंग्लिश नू भी पंजाबी वांगू पढ़ाया जांदा, ठीक है। यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कंसैप्ट, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द वर्ड्स द लैटर, थोनू नेचर नहीं पता चलता वर्ड्स का, ठीक है। सो ये नहीं भी बिल्कुल नहीं थोड़े विच कोई भी नहीं हैगा, होगा एक अद्धा जवाक, ठीक है, बट जो थोनू पता है आप उस अप्रोच वीक है। सो स्टिक टू वर्ड, स्टिक योर सैल्फ फॉर वर्ड मैचिंग वर्ड्स। सो यदा हैडिंग की लग गया वन, एवें करने हैं ये होमवर्क करो। नैक्सट की कहता है कंप्यूटर एंड देअर डिपेंडेंस ऑन ग्लास, मतलब कंप्यूटर तो किवें डिपेंड करते हैं ग्लास के उत्ते, ये हैडिंग उस पैराग्राफ का होगा जिदे कंप्यूटर की गल हुई हो, ग्लास की भी गल हुई हो, उन्होंने डिपेंडेंस की लिंक कनैक्शन आ वर्ड लिखो इतने, कंप्यूटर्स का लिखो, टेक्नोलॉजी लैपटॉप्स मशीन्स, ठीक है, देयर डिपेंडेंस लिंक कनैक्शन इफेक्ट इंपैक्ट, ठीक है, ऑन ग्लास। सो सैकेंड हैडिंग कि चलूगा यदा लगेगा, ठीक है। नैक्सट आ गया बच्चे थर्ड, थर्ड की कहता वट मेक्स ग्लास सो अडैप्टेबल, कहते कि चीज़ आ जिंदे नाल ग्लास है जो बहुत अडैप्टेबल हो गया, ईजी टू अडैप्ट हो गया, असैप्टेबल हो गया, यूजेबल हो गया, ठीक है, मेक्स, ठीक है, मेक कर दिया उन्हों, एबल कर दिया उन्हों। सो जेदे विच एहो जे वर्ड होणगे उहदा हैडिंग की लगेगा थर्ड, गेटिंग इट, समझ लगी। सो थर्ड दे विच थर्ड आंसर कि पैराग्राफ ई दा, पैराग्राफ ई दे विच जाओ देखो भला वर्सटैलिटी ओहदे कोल न्यू अडैप्टेबिलिटी दा की आ जाऊगा, वर्सटैलिटी पेंसिल नहीं हैगी तेरे कोल, ठीक है। सो अडैप्टेबिलिटी दा की आ गया वर्सटैलिटी, वर्सटाइल, कोई चीज वर्सटाइल मतलब सारे उन्होंने पसंद करते हैं, सारे सारे कितने स्कोप हैगा,
ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੀਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਹੈਡਿੰਗ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਹੈਡਿੰਗਸ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਆਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਮੈਚ ਵਾਲਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਸਟ ਆ ਮਤਲਬ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਹਰੇਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡ ਇਹਦੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਸੋਚੋ ਫਿਰ ਬਸ ਸਕਿਮਿੰਗ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਵਰਡ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਕਿਮ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਵਰਡ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਉਹ ਲਾ ਦੋ ਦੈਟਸ ਇਟ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ ਨਾਓ ਹੈਡਿੰਗਸ ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗ੍ਰਾਮ ਆ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਲੌਜੀਕਲ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਿਓਰ ਲੌਜੀਕਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲਿਕੁਡ ਆ ਕੋਈ ਉਸ ਲਿਕੁਡ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੋਲਚਨ ਗਲਾਸ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਲੌਜੀਕਲੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣੀ ਇਹ ਲੌਜੀਕਲੀ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਰ ਰਿਬਨ ਮਸ਼ੀਨ ਮਾਸਟਰ ਕੀਵਰਡ ਗਿਆ ਕਾਰਨਰ ਕਾਰਨਿੰਗ ਰਿਬਨ ਮਸ਼ੀਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਜਾਓ ਸਕਿਮ ਕਰੋ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਉੱਥੋਂ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗੈਟਿੰਗ ਇਟ ਸੋ ਨੈਕਸਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ 9-13 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਓ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਟ ਲਿਖੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਟੂਡੇ ਦੀਸ ਡੇਜ਼ ਨਾਵਾਡੇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟ ਟਾਈਮਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਡੈਕੇਡ ਨਾਵਾਡੇਜ਼ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਨੋਨਿਮਸ ਲਿਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵਿਲ ਵੁੱਡ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟਿਡ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਲਿਖੋ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਥਰਡ ਇਫ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਬਾਏ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਯੂਜ਼ ਇਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਆ ਡੈਂਟਲ ਫਿਟਿੰਗ ਦਾ ਸਿਨੋਨਿਮ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਟੂਥ ਟੀਥ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਇਹਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਨੋਨਿਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡੈਂਟਿਸਟ ਆ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਕਿਮ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉਹ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਾ ਕੇ ਪਾਸਟ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਫਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਮਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਅਰਸ਼ ਠੀਕ ਆ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫਾਸਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਆਇਆ ਉਹ ਸ਼ਿਟ ਨਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜਿਸ ਪ੍ਰਜਾਤਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਊਟਸਾਈਡ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓਗੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕਲੀਅਰ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਟੀਕਲ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਪਟੀਕਲ ਸਮਥਿੰਗ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਸਪੈਕਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸਪੈਕਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਪੈਕਟੈਕਲਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗਲਾਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੁਛ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇਜਸਵਿੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਰਮਨ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਪੁੱਛ ਲਈ ਮਹਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਰੀ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਨਾ ਆਏ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਸੋ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਸਕ ਮੀ 100 ਟਾਈਮਸ ਮੈਮ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਟੀਚ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਈ ਨੋ
ठीक है, सो मैनू रोक लिया करो, दस दिया करो, रिपीट करवा लिया करो, ठीक है। मनप्रीत जगमीत तो नवे बच्चे खास करके, पुराने तो ऊँ हिसाब आ गया हूँ मेरा। चलो सो की कहना है क्वेश्चन, रीडिंग पैसेज टू हैज सेवन पैराग्राफ्स, इंस्ट्रक्शंस पढ़निया बहुत जरूरी है, ठीक है। ये उन्ना के इंपॉर्टेंट है भी घरों तुर पे तो यह नहीं पता जाना कितने है, पहला पता हो गए कि जाना कितने है। सो बेसिकली हेडिंग्स इंस्ट्रक्शन वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो की कहने हैं, स्टेट विच पैराग्राफ डिस्कसिज ईच ऑफ द पॉइंट्स बिलो, ठीक है भी जेडे पॉइंट थले आ केड़े पैराग्राफ आ जेड़ा उन्हें मैनू डिस्कस करता। बेसिकली ये हैडिंग्स आ, पर ये थोड़े सौखे आ क्योंकि इन्हें च इनफॉर्मेशन ज़्यादा लिखी होंगी है, थोड़े सौखे होंगे, ठीक है। जेडे आपां हुणे करके हटे आ उन्हां नालों 1% सौखे, ठीक है। सो बेसिकली कहिंदे कि जिवें मान लो द सैलरी रेंज स्टडीड इन एन बी सिलेक्शन सर्विस, सर्वे दे विच कहिंदे जिहड़ी सैलरी रेंज जिहड़ी सीगी उस स्टडी की गल की हो कि बॉडी पैराग्राफ बी च की। सो आह हैडिंग लाओ, द ड्रॉबैक्स ऑफ करंट कंपनी रिस्ट्रक्टिंग रीस्ट्रक्चरिंग पैटर्न, ठीक है भी कि ड्रॉबैक लिमिटेशन वर्ड ये भी सोना भी लिखने हैं हैडिंग्स की इको ही। वैसे तो सारी रीडिंग आ जी नहीं जरूरी होंगे भी हरेक वर्ड का सनोनम पता हो थोड़ी, बट सनोनम लिख लिया करो, थोनू आपे ही पता चलूगा कि बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई जे तुसी सिनोनिम्स ते थोड़ा ध्यान दे दो। तो सिनोनिम्स भी पता केड़े है हो जे सौखे सौखे, ड्रॉबैक्स लिमिटेशन डाउनसाइड्स वीकनेस नैगेटिवस सौखे सौखे, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि औखे औखे, जिवें वर्सटैलिटी आ गया जेडे ओह जे ओह पढ़ के पता लग जाता, उन्हां दा पढ़ के पता लग जाता भी इहदा सिनोनिम आ, वो सीधे नहीं दिमाग च आते। जो जो आप क्वेश्चन तो सुनाना देखते हो अपने डायरैक्ट माइंड च आ जाते, ठीक है। सो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है। सो आप हैडिंग लाना करंट कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग, करंट मतलब प्रेजेंट दीज डेज नाउअडेज, ठीक है। कंपनीज रीस्ट्रक्चरिंग पैटर्न, रीस्ट्रक्चरिंग मतलब कुछ रीडिवेलप कर रहे हो, न्यू रिफॉर्म्ड नवा कुछ रिफॉर्म हो रीमेड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पैटर्न मतलब मैथड्स वेज, ठीक है। सो ये वर्ड्स आप देखने भी कि पैराग्राफ च देखे। सो लुक इन पैराग्राफ ई, रीसेंट आ गया वर्ड जमा सेम, ठीक है। कॉरपोरेट्स आ गया कंपनी का वर्ड, ठीक है। लेयरिंग आ गया रीस्ट्रक्चरिंग, लेयरिंग ते स्ट्रक्चर द स्ट्रक्चरिंग थर्ड च ही आ गया। सो दैट इज वट कॉल्ड डी भी आ गया, डी लेयरिंग मतलब कोई पहला लेयरिंग सी हूँ वो चेंज हुई डी हो गई। सो पैराग्राफ लग गया ही, ध्यान नाल यू हैव वन मिनट, फिगर इट आउट एंड टेल मी एंड आस्क मी क्वेश्चन।